मनीषा कुराला ने 52 साल की उम्र में शादी करने का लिया फैसला और मां बनने की प्लानिंग पर भी किया खुलासा। बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कुराला को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। कैंसर का पता चलने के बाद ही उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से कुछ समय का ब्रेक लिया था क्योंकि वो अपने ट्रीटमेंट के लिए चली गई थी। अब ऐसे में परिवार शुरू करने और मदरहुड अपनाने का विचार कर रही है मनीषा कुराला। मनीषा कुराला के समय की एक्ट्रेस सुष्मिता सेन, रूबीना टंडन, करिश्मा कपूर जो कि इस वक्त वेब शो कर रही हैं। ऐसे में अब मनीषा कुराला वापस लौट कर आई है। उनके शब्दों में, कौन सा एक्टर ऐसा नहीं करना चाहेगा, एक अच्छे प्रोजेक्ट में लीड एक्ट्रेस दिखाना एक बहुत ही एक्साइटिंग होता है, लेकिन ये उनके लिए मायने रखता है कि वो काम कर रही है। मेरे कैंसर से उभरने के बाद मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था जीवन का आनंद लेना और हर जीवन के पास जो भी है कुछ भी है उससे एक्साइटमेंट के साथ जीना। उन्होंने आगे कहा कि मैं 52 साल की हो चुकी हूँ, मैंने लगभग 2 फिल्में की हैं, इसलिए मैंने अपने करियर के लिए बड़ा फंक्शन लगातार फिल्में बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती। मैं इनसिक्योरिटी से प्रेरित नहीं हूँ, मैं केवल रोमांचक काम से प्रेरित हूँ और इस प्रक्रिया में मैंने जो पहले किया वो बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। जी हाँ, इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब मैंने फैसला लिया है शादी करने का। मनीषा कुराला की लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही है, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बात करते हुए एक्ट्रेस मनीषा ने अपने परिवार शुरू करने की काफ़ी देर हो गई। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि पार्टनर होने से उन्हें लगेगा कि उनका जीवन पूरा हो गया है। हालांकि उन्होंने यह भी एक्सेप्ट नहीं किया है कि कभी कभी उन्हें लगता है कि एक जीवन साथी होना जरूरी है। नेक्स्ट टाइम लाइफ